पंजाब दे लई कोरोना नूं लैके एक होर जिहड़ी फिकर वाली खबर है वह यह है कि मौत जिहड़ी है दर वह बहुत ज़्यादा है। मौतां मतलब जिन्ने केस आ रहे हैं उस दे मुकाबले जिहड़ियां मौतां हो रही ने वह ज़्यादा हो रही ने, तकरीबन 3% के आस पास है। मतलब हरेक 100 केसां दे पिछे 3 जिहड़ियां ने मौतां तकरीबन हो रही ने। इस नूं लैके अज केंद्रीय सेहत सकत्तर ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये फिक्र जताई है कि पंजाब दे विच उच्ची मौत दर है, इस नूं लैके जिहड़ा है बहुत काम करन दी लोड़ है। जिहड़ी मौत दर है 2.82% है, 3 दे आसपास है। पंजाब दे विच कोरोना नाल हुण तक 7000 तो वध मौतां हो चुकियां ने, 7155 दा अंकड़ा जिहड़ा है ये पार हो चुक्या है। पंजाब च कोरोना की शुरुआत तो जो पिछले साल तो ही मौत दर जिहड़ी एक वड्डी फिक्र वाली गल है। केस तां जिहड़े ने आ रहे ने पूरे देश च आ रहे ने, पर मौतां ज़्यादा हो रही ने कोरोना करके, इस नूं लैके फिकर जताई गई है। तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ये वजह जो इस जी दस रही है वो ये कि मरीज़ जड़े ने अंतम पड़ा से हस्पताल पहुँचते हैं, पहला वो अपने पद्धर से इलाज करवाते हैं, तो जो उन्होंने लगता कि केस बहुत ज़्यादा विगड़ गया तो ही वो हस्पताल दाखिल हो रहे हैं। ये एक वजह है। तो दूजी वजह यह दसी गई है कि होर बीमारियों तो भी पीड़ित सन जे मरण वाले लोग ने, जिन्हें भी कोरोना करके मरे ने उस तो ज़्यादातर जड़े ने होर बीमारियों तो भी पीड़ित सन। पंजाब को देखें तो देश भर के 3% केस पंजाब से आते हैं अभी आज की स्थिति में, और देश में जो मृत्यु कोविड से हो रही हैं उसकी लगभग 4.5% पंजाब में हो रही है। और जैसा मैंने छत्तीसगढ़ के लिए कहा, वैसे ही अगर पंजाब के अगल बगल के राज्यों से तुलना की जाए, दिल्ली की जाए या हरियाणा से की जाए, तो न केवल एक्टिव केसेस के मामले में बल्कि मृत्यु के मामले में भी दिल्ली और हरियाणा के नंबर्स बहुत कम हैं पंजाब के तुलना में। तो एवरेज केसेस पंजाब में 2790 से अधिक रिपोर्ट हो रहे हैं, एवरेज डेली डेथ्स अब 58 हो गई हैं बढ़कर, एवरेज डेली आरटीपीसीआर का शेयर 76% है, ये संतोष की बात है। यहाँ 70% से हमेशा आरटीपीसीआर टेस्ट रहे हैं, वीकली रेट लगभग 8.5% पर आकर ऐसा लगता है ठहर गई है, तो इसलिए टेस्ट्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वीकली पॉजिटिविटी रेट को कम किया जा सके।